रानीताल के समीप बच्चों के खिलौने की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। ये घटना सुबह सुबह हुई। दुकान से धुआं उठता देख अग्नि हादसे की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि इस अग्नि हादसे में दुकान और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रानीताल चंचलाबाई कॉलेज के पास मंगलवार की सुबह एक खिलौने की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे का पता चलते ही गोदाम और दुकान संचालक ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित घटनास्थल पर पहुंच गए और आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग पर काबू पाने से पहले ही दुकान और गोदाम में रखा बहुत सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया था। दुकान संचालक ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की शंका जाहिर की है। फर्स्ट फ्लोर का एक गोडाउन कम डिस्प्ले कम गोडाउन है और इसमें हम सारे मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनियों का माल बेचते हैं, बच्चों का, छोटे बच्चों का, बच्चे की माँ के लिए सारी चीज़ें। आज सुबह सुबह टहलने निकले, यहाँ से देखा धुआं सा निकल रहा था। चाबियाँ गाड़ी पे रहती हैं अपने पास में, बाजू में अग्रवाल जी थे, अग्रवाल जी से गाँव देखते हैं, देखा धुआं निकल रहा। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड बुलाया तो ये सब पूरा सब सत्यानाश हो गया। तो कुछ है कि कितना आपका इसमें माल भरा रहा होगा, कितने का? अब स्टॉक सर काफ़ी कुछ स्टॉक 60-70 लाख के ऊपर का स्टॉक होता है सर रिटेल। सूचना पर आया मैं तो फायर ब्रिगेड मौजूद थी, आग बुझ चुकी है। बच्चों के खिलौनों का दुकान था, गोदाम है, जो संभवतः बहुत गेट बंद था। शॉर्ट सर्किट से ही ऐसा लगता है कि आग लगी है। कुछ अनुमान पता बताया उन्होंने कि कितना? नहीं नहीं, अभी तो जस्ट फायर ब्रिगेड गई है, इसके बाद ये अपना गोदाम व्यवस्थित कराएंगे। दुकान और गोदाम में ब्रांडेड कंपनियों के खिलौने, प्लास्टिक का सामान और बच्चों के उपयोग के अन्य सामान रखे थे। दुकान संचालक की माने तो इस अग्नि हादसे में उन्हें लाखों की क्षति हुई है।